बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इनवाइस बनाते हुए जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं उसका सलूशन आज मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा। इसमें जो मेन टॉपिक होगा वो प्रिवेंट डुप्लीकेट, यानी कोई रिपीट अगर वैल्यू या कोड इंटर करते हैं तो वो उसमें अलाउ नहीं हो, ये डेटा वैलिडेशन से रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम। और इसके अलावा जो फार्मूला होगा एक शीट से दूसरी शीट पर लुकअप, और उसमें फिर एरर वगैरह जो होगा वो, और फिर बैलेंस रिकॉर्ड को जो मेंटेन वगैरह करना है वो सभी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ मैंने एक डेटा बनाया हुआ है इनवाइस, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, पेमेंट, बैलेंस। ये हमारी शीट फर्स्ट है स्टेटमेंट के नाम से, और एक डेटा की शीट बनाई हुई है इनवाइस, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। अब फार्मूला हमें यहाँ लगाना है, जैसे 101 हमने एंट्री करी, अब इसी को अगर हम कुछ और बाद में एंट्री कर रहे हैं तो ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्ट करना है कि इस तरह की गलत एंट्री बार बार अलाउ नहीं हो। वो किसी भी फॉर्मेट बनाते हुए कोई डेटा डिज़ाइन कर रहे हैं आप एक्सेल का, तो उसमें भी ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरत पड़ती है कि इस तरह रिपीट ना हो कोई वैल्यू। तो सबसे पहले ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ रिकॉर्ड, अगर आप यहाँ से देखें तो टेबल को किस तरह हम जज कर सकते हैं। जब कर्सर टेबल में मौजूद होगा तो यहाँ डिज़ाइन मेन्यू शो हो रहा होता है, डिज़ाइन फॉर्मेट, और इसमें जाएंगे तो फार्मूला, स्लाइसर, कन्वर्ट, रिमूव वगैरह की कैटेगरी आ रही होती है। यानी मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से डेटा वैलिडेशन आपको लगानी है। पहले मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ, एक ब्लैंक में तरीका बताता हूँ। जैसे हमें इस कॉलम में ये डुप्लीकेट रिपीट अलाउ नहीं करनी, तो यहाँ हमने कॉलम को ए हेडिंग्स जहाँ आ रही है यहाँ से सेलेक्ट किया, डेटा, डेटा में जाएंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से जाएंगे कस्टम इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज देनी है ए से ए कॉलन, ठीक है। ऊपर हेडिंग के पास से सेलेक्ट किया हमने तो ए से कॉलन ए तक की रेंज कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया होता है काउंट इफ का, तो हमने कहा इस सेल को चेक करना है ब्रैकेट क्लोज और बराबर है 1। ओके, अब देखें यहाँ पर कोई भी एंट्री कर रहे हैं 1, 2, 3, 1 नहीं आ रही है। देख तो ये तरीका था क्लोज। अब इसमें मैंने टेबल अप्लाई करा हुआ है तो इसमें डेटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन कैसे लगेंगे। अब यहाँ एडिंग के पास से तो सिलेक्शन नहीं बनानी हमें, तो इसके लिए आप ये जो टेबल है देखें, अब यहाँ अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह भी सिलेक्ट हो जाएगा, और मेन जो आपको ये कंडीशन देनी है डेटा वैलिडेशन की, इसके लिए आपको सिलेक्ट जो हेडिंग्स आ रही है इसके ऊपर माउस को लाएंगे तो देखें यहाँ पर एरो डाउन बना हुआ आ रहा है, इससे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। डेटा मेन्यू में जाएं, सेम वही डेटा वैलिडेशन कस्टम काउंट इफ, काउंट इफ, उसके बाद वही हेडिंग के पास यहां से देखें ये एरर शो हो रहा है, क्लिक करेंगे पूरी रेंज आ जाएगी, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद वही फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है रेंज का, यहाँ से इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज बराबर है 1 कॉमा, सॉरी बराबर है 1 और ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक काम हमने नहीं किया, एब्सोल्यूट करेंगे रेफरेंस को, तो इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसी में जाएंगे डेटा वैलिडेशन, इसको पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ डेटा वैलिडेशन, और ये जो रेंज हमने सिलेक्ट करी थी इसको सिलेक्ट करके F4 करना है एब्सोल्यूट और ओके कर देंगे। अब दोबारा इसी सेल में आएंगे नेक्स्ट, अगर ये एंट्री कर रहे हैं एंटर तो देखें कोई रिस्ट्रिक्शंस लग गई है, अलाउ नहीं होगी डुप्लीकेट। अब इसी तरह सेकेंड स्टेप जो है इसका ये है कि अगर हम यहाँ कोड दे रहे हैं तो यहाँ नेम और अमाउंट आ जाए, तो इसके लिए कंडीशन वी लुकअप लगा देंगे हम, लुकअप वैल्यू में ये सेल आ गया कॉमा, और टेबल एरे कहाँ है डेटा की शीट ऑल कॉमा। अब कॉलम डिफाइन करना है डिस्क्रिप्शन इनवाइस 1 और डिस्क्रिप्शन 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा कॉमा, और फिर वी लुकअप आपसे कहेगा ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स, तो यहाँ पर आपको कंडीशन देनी है फॉल्स एग्जिट मैच, टैब दबाएंगे सिलेक्शन हो जाएगी, इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ देखें फार्मूला चेक करें, फॉल्स कॉलम 2 और इंटर, तो नेम 1 आ गया। डिस्क्रिप्शन जो भी नाम होंगे एंट्री करेंगे, मैंने फिलहाल यहाँ नेम 1 और 2 करके ड्रैग किया हुआ इसको, उसकी साथ ही
नेक्स्ट हमें अमाउंट चाहिए तो इसका पूरा सिलेक्ट कंट्रोल सी टैब दबाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में आएंगे कंट्रोल वी डबल क्लिक कॉलम 3। तो इस तरह से अब जो भी एंट्री होगी यहाँ पर उसका नाम जो भी आप एंट्री करेंगे नाम और अमाउंट आ गया, उसके बाद पेमेंट जो पेमेंट आएगी आपके पास वो, और कुछ बैलेंस रह गया होगा तो वो भी यहाँ पर एंटर हो जाएगा। माइनस में जो होगा वो आपको रिटर्न करना है, और जो पेमेंट आपको बैलेंस में रहेगी वो अमाउंट ड्यू रह जाएगा यानी पे करना होगा आपको। ये अगर इक्वल हो जाता है, अब जैसे इनकी फुल पेमेंट थी 9943, तो यहाँ पे देखें हमने इफ एरर लगाया हुआ है और पूरा फार्मूला इफ एरर के अंदर हमने कंडीशन दी है ग्रेटर देन ज़ीरो, वो तो ब्लैंक करना है यहाँ पर, तो वही कंडीशन आ रही है हमारी ब्लैंक। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से क्लियर करते हैं कोड तो यहाँ देखें एरर आ रहा है, तो इसको डबल क्लिक कर रहे हैं वीलुकअप को भी इफ एरर कर देंगे। फार्मूला बारे में देख लें यहाँ पर इफ एरर वीलुकअप पूरा फार्मूला आ गया, आखिरी में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दो दफ़ा ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पर भी इस तरह से एरर शो नहीं होगा। इफ एरर फिर लास्ट में आ जाएंगे कॉमा दो दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यही कंडीशन इस तरह रहेगी और इसको ड्रैग कर देंगे हम। अब अगर कोई भी कोड नहीं है तो कोई भी ब्लैंक शो नहीं होगा यहाँ पर, यानी एरर शो नहीं होगा, और जब आ जाएगा अमाउंट तो यहाँ पर हमारे पास उसका रिकॉर्ड आएगा। कोई रिपीट एंट्री अलाउ नहीं हो रही, कैंसिल। तो इस तरह से एक फॉर्मेट बना के रख सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, कोई भी आपको अगर डिज़ाइन करने के लिए दिया जाता है कोई फॉर्म वगैरह या इस तरह की कोई लेआउट डिज़ाइनिंग वगैरह एक्सेल के अंदर, तो उसमें आपसे कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्ट करना है सेल्स कि यहाँ पर जो भी वर्किंग है गलत एंट्री ना हो, तो वो डेटा वैलिडेशन से मैंने आपको बताया कैसे एंट्री होगी। और इसके अलावा अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो हमारा ड्रैग हुआ हुआ, इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से जो टेबल एरे की रेंज थी इसको सिलेक्ट करके F4 करेंगे एब्सोल्यूट, और इसको भी सिलेक्ट करके F4 करेंगे एब्सोल्यूट, ताकि ड्रैग करने से आंसर आ जाए देखें। और लास्ट में हमारे पास सब टोटल आ रहा है, सब टोटल सिलेक्ट करेंगे पूरा कॉलम और फिर उसके बाद 9, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो ये पूरी रेंज बैलेंस के नाम से आ रही है और इसमें हमारा टोटल आ रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है अगर हम कोई फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो इसका रिकॉर्ड वही आएगा जो यहाँ पर शो हो रहा होगा। देखें जितना फ़िल्टर लगा हुआ होगा सब टोटल फार्मूला और 109 सेलेक्ट करेंगे सम करेगा, और ये इसलिए लगाया जाता है कि जो डेटा अपीयर हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पे उसी का टोटल आए सिर्फ, तो ये सब टोटल का फंक्शन होता है। तो इस तरह इसको फ़िल्टर को क्लियर करना है, दोबारा इसी में आएंगे ओके करेंगे। और डेटा टेबल में कन्वर्ट करने के लिए अगर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं होम में यहाँ दिया हुआ था फॉर्मेट स्टेबलाइजर से आप टेबल को कन्वर्ट करा सकते हैं और कोई भी अपने हिसाब से फॉर्मेट वगैरह दे सकते हैं। जब ये अप्लाई होगा टेबल फॉर्मेट तो यहाँ डिज़ाइन मेन्यू क्विक स्टाइल यहाँ से भी आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन थी इसके अंदर, बाकी डिज़ाइनिंग मैंने बना के रखी हुई है, फॉर्मेट पहले भी इनवाइसेस मैंने बताई हैं उस हिसाब से आप स्टाइल वगैरह अपने सेट कर सकते हैं। ये मैंने अपना एग्जांपल आईडी बनाया हुआ है इसके, और इसको रुपीस फॉर्मेट में देखना है होम में जाएं, यहाँ पे कॉमा क्लिक कर दें, इस तरह से रुपीस फॉर्मेट में लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करें, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की इसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।